रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिद्धिमा अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुंबई से वापस अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। तभी ओ नो, इस कार को भी अभी खराब होना था क्या? घर भी नहीं पहुंची और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बताओ अब मैं क्या करूं? मैडम, टायर पंचर हो गया है, एक घंटा लग सकता है, कोई मैकेनिक ही नहीं है। हैं? एक घंटा? इतना ज्यादा टाइम? मैडम एक काम करो, सामने वाले मॉल में जाकर आप शॉपिंग कर लो, इतने में मैं टायर भी चेंज कर दूंगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है और यहाँ बहुत गर्मी भी है। इतना बोलकर रिद्धिमा उस पास वाले मॉल में चली जाती है और वहाँ पर जाकर सीधा कपड़ों के सेक्शन में जाती है, जहाँ वो ढेर सारे टॉप, जीन्स, शर्ट्स और सूट्स देखती है और फिर बोलती है, वाओ, कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैं काम करती हूँ, मैं ना फोटो ले लेती हूँ, बगल वाले रवि टेलर से सेम का सेम बनवा लूंगी। वैसे भी मैं तो यहाँ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। Can I help you, ma'am? No, no, I can manage. ऐसे ही घूमते घूमते वो दूसरी तरफ जाती है, जहाँ एक लड़की एक नए ब्रांड का जूस लॉन्च कर रही होती है कि तभी वो रिद्धिमा से कहती है, मैम ये ट्राई कीजिए, न्यू लॉन्च हुआ है, आपको ये जामुन फ्लेवर जरूर पसंद आएगा। नहीं, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है। मैम इसमें 6 फ्लेवर और हैं, आप वो तो ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। मैम ये लीजिए, आपको मैंगो और गुआवा का फ्लेवर जरूर पसंद आएगा, इसका टेस्ट बहुत एक्सोटिक है। ओके ठीक है, दीजिए। अच्छा है, बेकार सा फीडबैक दे देती हूँ और दूसरा वाला फ्लेवर ट्राई करती हूँ। ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आया, आप दूसरा वाला देना। इस तरह रिद्धिमा उसके सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर लेती है और नापसंद करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी उसे ड्राइवर का कॉल आता है और वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है, जिसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का पहले से ही होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगती है, तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। रिद्धिमा डर के मारे उस लड़के के गले लग जाती है। प्लीज प्लीज लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको, अभी लिफ्ट चलने लगेगी, आंखें खोलिए, देखिए मैंने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर लिया है। नहीं नहीं, जब तक लाइट नहीं आ जाती मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। अचानक से लाइट आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है। दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और रिद्धिमा ऋत्विक को थैंक यू बोल देती है और वहां से अपनी टैक्सी में बैठकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ सोनम उससे कहती है, आ गई मेरी बच्ची, कितने सालों बाद आई है, पता है तुझे कितनी याद आ रही थी मुझे। माँ मुझे आपकी और पापा की ना इतनी याद आई, पता है। सोनम रिद्धिमा को अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खिलाती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन सोनम के पास उसकी बेटी के लिए एक रिश्ता आता है। सोनम उन्हें अपने घर बुला लेती है, साथ ही उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋत्विक होता है। तभी ऋत्विक की माँ नीतू बोलती है, खंबा घड़ी कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक है, आप सुनाओ। हम भी बढ़िया हैं। अरे अपनी छोरी ने तो ले आओ। जी अभी बुलाती हूँ। रिद्धिमा बेटा जरा बाहर आना। रिद्धिमा हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है कि अचानक उसकी नज़र ऋत्विक पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दोनों की माएँ मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर देती हैं, जिसके बाद उन दोनों को छत पर अकेले में बात करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में ऋत्विक बोलता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन लिफ्ट में मिली थी। हाँ मैं वही हूँ, और तुम यहाँ कैसे, जानबूझकर आए हो ना? अरे नहीं, मैं तो माँ के कहने पर आया हूँ। वेल मुझे तो आपका नाम पता चल गया, पर आपको पता है मेरा? नहीं माँ ने मुझे नहीं बताया। ओह बाय द वे, मेरा नाम ऋत्विक धनेजा है, वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में। यू नो माँ के कहने पर मैंने पहली बार साड़ी पहनी है आज। कुछ ही दिनों के बाद घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी बीच ऋत्विक रिद्धिमा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं।
तभी रिद्धिमा एक ड्रेस पसंद करती है और कहती है, ऋत्विक देखो कितनी अच्छी ड्रेस है, वेट करो ना मैं ट्राई कर आती हूँ। कुछ ही देर के बाद रिद्धिमा वो ड्रेस पहन कर आती है, साथ ही खुद को मिरर में देखकर मॉडल की तरह पोजेस करते हुए बोलती है, वैसे ड्रेस तो अच्छी लग रही है मुझ पर इतनी खास भी नहीं है, क्या पता ऋत्विक को पसंद ना आए। एक काम करती हूँ दूसरी बारी ट्राई कर लेती हूँ। रिद्धिमा 2 से 3 घंटे लगाकर बार बार कपड़े चेंज करती है और ऋत्विक को दिखाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 मिनट के बाद रिद्धिमा फिर से ऋत्विक के सामने एक ड्रेस पहन कर आती है, इस पर ऋत्विक उससे कहता है, रिद्धिमा क्या है ये, कितने घंटे हो गए हैं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? ऋत्विक कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। रिद्धिमा उसका हाथ पकड़कर मॉल से बाहर ले आती है। कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ लंच करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में हो जाती है। धीरे धीरे रिद्धिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू बैठकर टीवी देख रही होती हैं कि तभी नीतू बोलती है, अरे बहू बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा है, टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं? हाँ माँ जी बोर तो मैं भी हो रही हूँ, मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। माँ जी एक आइडिया है, क्यों ना हम विंडो शॉपिंग पर चले? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। माँ जी आज मैं आपको विंडो शॉपिंग करवाऊंगी, इसमें होगा ये कि ना तो हमारे पैसे खर्च होंगे और हम सारी चीजों को खाएंगे भी पिएंगे भी और पहनेंगे भी और मजे भी करेंगे। अरे चल कितना बेकार सा आइडिया है। अरे माँ जी आप चलिए और रेडी हो जाइए। इतना कहकर रिद्धिमा अपनी सास को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल में ले जाती है और दोनों ड्रेसेस देखना शुरू कर देती है। रिद्धिमा एक शॉर्ट ड्रेस पसंद करती है जिसे पहनकर अपनी सास को दिखाती है और फिर वो बोलती है, हाय राम जी, अरे ओ नासपीटी इतने छोटे कपड़े क्यों पहन लिए तूने, अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो? अरे चिल माँ जी आपको भी ऐसी ड्रेस पहनाऊंगी देखना। अरे पागल है क्या बहू। रिद्धिमा एक जीन्स टॉप निकालती है और ट्रायल रूम में अपनी माँ जी को भेज देती है, तभी नीतू आवाज देकर बोलती है, अरे बहू जरा अंदर तो आ, मैंने वो कपड़े पहन लिए हैं। ओ माँ जी आप तो एकदम फुलझड़ी लग रही है, आई नजर ना लगे मेरी हॉट सी माँ जी को। बहू देख मुझे ना बहुत शर्म आ रही है, मैं ना कपड़े बदलने जा रही हूँ तो तू बाहर जा अभी। रुके रुके माँ जी एक कमी है, वाह अब लग रही है एकदम लल्लन टॉप, चलो अब सेल्फी लेते हैं। इस तरह वो दोनों सेल्फी लेने के बाद वापस अपने पुराने कपड़ों में आकर दूसरी शॉप पर जाकर शॉपिंग करती हैं। ऐसे में दोनों सास बहू कभी कोई सी ज्वेलरी पहनकर देखती हैं तो कभी कुछ और, इस तरह वो दोनों 3 से 4 घंटे मॉल में घूम घूम कर विंडो शॉपिंग करती हैं और बाहर आकर बोलती हैं, मजा आया ना माँ जी हमने कितनी चीजों को ट्राई किया आज। हाँ बहू बड़ा ही मजा आ गया। इस तरह आखिरकार वो दोनों सास बहू मजे लेकर घर आ जाती हैं और अब विंडो शॉपिंग का ये चस्का नीतू को भी चढ़ जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत सारी विंडो शॉपिंग करती हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी बिताती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।